भारत भूमि की यह विशेषता है कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी महान विभूतियां अवतरित होती रही, देश को दिशा दिखाती रही। आप देखिए, दक्षिण में माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पश्चिम में नरसिंह मेहता, मीराबाई, धीरो भगत, भोजा भगत, प्रीतम, तो उत्तर में रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव जैसे अनेक संतों के विचारों ने देश को समृद्ध किया। अलग अलग स्थान, अलग अलग कालखंड, लेकिन एक ही उद्देश्य, सबने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना फूंकी, पूरे भारत को भक्ति की शक्ति का आभास कराया। ये वो भूमि है जिसने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनाथ जैसे कितने ही संतों को युग संत बनाया है। जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फंस गया था, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जीवंत रखा, भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा।